एक बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे और 16 जून को बुलाई गई इस बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। वहीं जम्मू में इन आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया और इस बीच खुफिया सूत्रों के इनपुट्स मिली है कि POK से आतंकी जम्मू डिवीजन में घुसपैठ की तैयारी में। सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि POK में 17 आतंकी कैंप सुपर एक्टिव कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक का खूनी खेल खेलने वाली पाकिस्तानी दहशतगर्दों की गीदड़ गैंग की नई किश्त घुसपैठ के लिए तैयार है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सभी आतंकी कारखाने सुपर एक्टिव हो गए हैं। खुफिया इनपुट से मिली जानकारी ने सुरक्षा बलों को चौकन्ना कर दिया है क्योंकि POK के आतंकी अड्डों पर जबरदस्त हलचल है। टेरर कैंप में बौखलाए आतंकी सरगनाओं का जमावड़ा लगा है। भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। कमांडरों की तैनाती कर दी गई है। खुफिया एयरपोर्ट में ये भी पता लगा है कि आतंकियों को किन लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ करने के लिए ऑर्डर मिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी से पता लगा है कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI ने लश्कर के आतंकी कमांडर मोहम्मद अमीन बट, मोहम्मद कासिम और सजाद जट उर्फ रफी नाई को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और आतंकियों की घुसपैठ का जिम्मा सौंपा है। ये तीनों टॉप टेरर कमांडर POK में सक्रिय है। राजौरी और पुंछ में इन्हीं के भेजे आतंकी कमांडर पर पुलिस ने 10 लाख का इनाम भी रखा है जिसका नाम अबू हमजा बताया जा रहा है। अबू हमजा की तलाश सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक POK के 17 ट्रेनिंग कैंप से 37 लॉन्चिंग पैड के रास्ते 200 से 250 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। पिछले 2 साल से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर को टेरर लाइन बनाना चाहते हैं क्योंकि कश्मीर घाटी में आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ऐसे में आतंकी संगठनों ने राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में अपना आतंकी नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में 4 दिन में 4 आतंकी हमले अंजाम दिए हैं। वहीं आतंकी आकाओं की पूरी कोशिश है कि सीरियल अटैक का सिलसिला जारी रखा जाए जिसके लिए ISI ने टेरर ग्रुप तैयार कर आतंकी घुसपैठ का बारूदी मंसूबा भी बना रखा है। सूत्रों से पता लगा है कि आतंकियों ने POK के हलान शुमाली, अलीबा, डुंगी, हाजी पीर सेक्टर, फॉरवर्ड कहूटा, पड़ मोहल्ला, रंकड़ी और सीढ़िया में लॉन्च पैड एक्टिव कर दिए हैं। मौत बांटने के हथियारों से लैस दहशतगर्दों का दस्ता भारत में घुसपैठ के लिए आत्मघाती जोखिम भी उठाने के लिए तैयार है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी ने दहशतगर्दों को उनके बिलों में दुबके रहने पर मजबूर कर रखा है। कठुआ में जारी सर्च ऑपरेशन के बीच भारत की तरफ से दहशतगर्दों को क्लियर मैसेज भी दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स के साथ ही कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला है जहां आतंकियों के खिलाफ आम कश्मीरियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं का मंसूबा सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात अंजाम देने भर का नहीं है। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की टेरर टोली भारत के बड़े धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की भी फिराक में है। आतंकियों के रेडार पर है। छह दिन के अंदर वैष्णो देवी से लेकर अमरनाथ और अमरनाथ से लेकर अयोध्या का ऐसा हाई अलर्ट हुआ है कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने तीन बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। सबसे बड़े खतरे का अलर्ट अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को दो चीज मिली है, एक है पोस्टर और दूसरी है एक ऑडियो क्लिप। इस पोस्टर पर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर को गिरा दिया जाएगा। ऑडियो क्लिप में क्या है वो भी गौर से सुनिए। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहाँ हमारे 3 साथी शहीद हुए है, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इस
ऑडियो क्लिप में आवाज किसकी है नहीं मालूम, लेकिन ये धमकी पाकिस्तान के आतंकवादी गुट जैश की तरफ से बताई जा रही है, यानी वही आतंकी गुट जिसका सर का नाम मसूद अजहर है। मुमकिन है कि ये मसूद अजहर का ही कोई सीनियर कमांडर है। ऑडियो क्लिप में उन्हीं तीनों आतंकियों का जिक्र किया गया है जो 2001 में हमले के इरादे से आए थे लेकिन मारे गए।